जनपद में बरसात से पहले सभी नालों के साफ सफाई व बंधों को ठीक करने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले में जल की निकासी की जो समस्या है, नाला नालियां को विकसित किया जा रहा है, इसके लिए स्थायी निदान गौड़ धुइया नाले के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह बहुत ही अच्छी परियोजना है। इसके साथ ही रामगढ़ताल पर भी निरंतर कार्य चल रहा है और जो सड़क के किनारे नाले हैं उनकी सफाई की कार्यवाही नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत व ग्राम विकास के द्वारा निरंतर जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा सिंचाई विभाग के द्वारा रेगुलेटर बंधों की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है और नए प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है जो कि प्रक्रिया में है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अंतर ये जो अवस्थापनाओं में वृद्धि और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई चल रही है, जो हमारी समस्या है जल निकासी की, उसके लिए गत वर्षों में भी काफ़ी अवस्थापनाएँ जैसे नालियां नाले सभी विकसित की गई हैं और इसके लिए जो स्थायी निदान है कि गौड़धोलिया नाले का सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, बहुत ही बृहद परियोजना है। रामगढ़ ताल पर भी निरंतर कार्य चल ही रहा है और जो हमारे सड़कों के जो मुख्य सड़कें हैं उसमें बड़े नाले बना के उनकी सफाई की कार्रवाई नगर निगम प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे पंचायत विभाग और ग्राम विकास विभाग के माध्यम से भी निरंतर जल निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा भी पूर्व में विकसित अवस्था अपनाएं रेगुलेटर्स और बंधों का कार्रवाई कर रही है और नए प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किए गए हैं। सभी प्रक्रियाधीन हैं, शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही, वित्त पोषण होते ही हम लोग इसमें मिशन मोड पे काम करेंगे और अगले बरसात के पहले शासन के निर्देश अनुसार कार्ययोजना के अनुसार सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाएगा।